तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए वीरभूषण सतई को नागपुर जिले के काटोल में बड़े ही सम्मान के साथ लाया गया और उनकी अंतिम विदाई दी गई। वीरभूषण सतई काटोल निवासी 6 मराठा बटालियन में वो नायक के पद पर तैनात रहे। वीर जवान भूषण कोडे सेक्टर में हुए दहशतवादी हमले में शहीद हो गए। सोमवार को उनको अंतिम संस्कार के पहले गार्ड रेजिमेंटल सेंटर की ओर से कामटी परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उनके पार्थिव शव को काटोल ले जाया गया, जहां पर उनके परिवार की आंखें नम हो गई थी। वहीं वीरभूषण सतई की अंतिम सलामी देने के लिए राज्य के गृह मंत्री और पालक मंत्री उपस्थित रहे। वहीं गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शहीद भूषण सतई का शव काटोल के लिए निकला। वीरभूषण की शहादत की खबर तो पहले ही लग चुकी थी, परिवारजन गम में डूबे हुए थे और आंसू है कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। शहीद के परिवार को सांत्वना देने पूरा काटोल उमड़ पड़ा था। एन भाई दूज के दिन ही परिवार वालों ने शहीद की विदाई की। एक बहन ने अपने भाई को विदाई दी। उरी और उरी क्षेत्र में सीमा रेखा के नज़दीक वहाँ पे जो पाकिस्तान आर्मी के साथ में वहाँ पे जो फायरिंग हुआ था, जो झटपट हुई थी, उसमें हमारे एक कैप्टन और 5 भारत के जवान शहीद हुए। इसमें से महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के ऋषिकेश दुंधड़े और नागपुर जिले के काटोल मेरी मतदार संघ के भूषण सतई, इनको वीर मरण प्राप्त हुआ है। मैं महाराष्ट्र शासन की ओर से ये सभी हमारे शूर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कश्मीरच्या सीमारेषेवर जे पाक सोबत गोळीबारात चकमक झाली, त्यात 5 लोक मृत्युमुखी पडले, त्यामध्ये एक कॅप्टन आणि इतर सैनिक त्यांचे होते, त्यामध्ये ऋषिकेश जोंधळे हे कोल्हापूरचे आणि काटोलचे आमचे भूषण सतई यांना वीरमरण प्राप्त झालं आहे। मी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं आणि नागपूर जिल्ह्याचा पालकमंत्री या नात्यानं त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो।